फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र ने जिन 13 मूवीज में एक साथ काम किया है उन मूवीज की डिटेल आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूं। साल 1971 में आई मूवी गुड्डी, इस मूवी के लीड कास्ट में धर्मेंद्र, जया भादुरी, उत्पल दत्त, एके हंगल, असरानी और अमिताभ बच्चन ने इस मूवी में कैमियो अपीयरेंस दिए थे। ये एक कॉमेडी सोशल ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में अबव एवरेज रही। साल 1974 में आई मूवी दोस्त, इस मूवी के लीड कास्ट में धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, शत्रुघ्न सिन्हा, अनवर हुसैन और अमिताभ बच्चन ने इस मूवी में भी कैमियो अपीयरेंस दिए थे। ये एक ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में सुपरहिट रही। साल 1975 में आई मूवी चुपके चुपके, इस मूवी के लीड कास्ट में धर्मेंद्र, शर्मिला टैगोर, अमिताभ बच्चन, जया भादुरी और डेविड अब्राहम शामिल थे। ये पहली मूवी थी जिसमें धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन को एक साथ काम करने के लिए कंप्लीट कैरेक्टर मिले थे। ये एक कॉमेडी ड्रामा रोमांटिक मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में सुपरहिट रही। साल 1975 में ही आई मूवी शोले, इस मूवी के लीड कास्ट में संजीव कुमार, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, अमजद खान, हेमा मालिनी, जया भादुरी, एके हंगल, सत्येंद्र कपूर, लीला मिश्रा और असरानी शामिल थे। ये एक एक्शन एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा म्यूजिकल थ्रिलर मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। साल 1976 में आई मूवी छोटी सी बात, इस मूवी के लीड कास्ट में अशोक कुमार, विद्या सिन्हा, अमोल पालेकर और असरानी शामिल थे। अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र ने इस मूवी में गेस्ट अपीयरेंस दिए थे। ये एक कॉमेडी रोमांटिक मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट रही। साल 1977 में आई मूवी चरण दास, इस मूवी के लीड कास्ट में ओम प्रकाश, लक्ष्मी और उर्मिला भट्ट शामिल थे। अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र ने इस मूवी में स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। ये एक फैमिली ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1980 में आई मूवी राम बलराम, इस मूवी के लीड कास्ट में धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, जीनत अमान, रेखा, अजीत, प्रेम चोपड़ा, अमजद खान और सुजीत कुमार शामिल थे। ये एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा रोमांटिक मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में सुपरहिट रही। साल 1981 में आई मूवी नसीब, इस मूवी के लीड कास्ट में अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, ऋषि कपूर, हेमा मालिनी, रीना राय, प्राण, अमरीश पुरी और कादर खान शामिल थे। धर्मेंद्र ने इस मूवी में स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। ये एक एक्शन म्यूजिकल रोमांटिक थ्रिलर मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में ब्लॉकबस्टर रही। साल 1983 में आई मूवी अंधा कानून, इस मूवी के लीड कास्ट में रजनीकांत, हेमा मालिनी, रीना राय, अमिताभ बच्चन, माधवी, प्रेम चोपड़ा और डैनी शामिल थे। धर्मेंद्र ने इस मूवी में गेस्ट अपीयरेंस दिए थे। ये एक एक्शन ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट रही। साल 1988 में आई मूवी सुरमा भोपाली, इस मूवी के लीड कास्ट में जगदीप, अरुणा ईरानी और डैनी शामिल थे। धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन ने इस मूवी में स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। ये एक कॉमेडी ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1989 में आई मूवी बंटवारा, इस मूवी के लीड कास्ट में धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, डिंपल कबाडिया, पूनम ढिल्लो, अमृता सिंह और अमरीश पुरी शामिल थे। अमिताभ बच्चन इस मूवी में वॉइस नरेटर के रूप में शामिल थे। ये एक एक्शन ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट रही। साल 2004 में आई मूवी हम कौन हैं, इस मूवी के लीड कास्ट में अमिताभ बच्चन, डिंपल कवाडिया, मौसमी चटर्जी और हंसिका मोटवानी शामिल थे।
धर्मेंद्र ने इस मूवी में स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। ये एक ड्रामा हॉरर मिस्ट्री मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। साल 2007 में आई मूवी ओम शांति ओम। इस मूवी के लीड कास्ट में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, किरण खेर, अर्जुन रामपाल और श्रेयस तलपड़े शामिल थे। अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र ने इस मूवी में स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। ये एक रोमांटिक फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में ब्लॉकबस्टर रही। फ्रेंड्स, इस तरह मैंने आपको अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र ने जिन 13 मूवीज में एक साथ काम किया है उन मूवीज की डिटेल आपको बता दी। अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की इन मूवीज में कौन सी मूवी आपकी फेवरेट मूवी है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।